back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? बिहार। तो केंद्र सरकार बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी और इस अभियान से यह अभियान वापस आ रहे प्रवासी नागरिकों के साथ साथ ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और गवर्नर है फागू चौहान। केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? बिहार में। क्यों? क्योंकि वापस आ रहे प्रवासी नागरिकों के साथ साथ ग्रामीण नागरिकों को भी सशक्त बना सके और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सके। बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। इस शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी कि CRC स्थापित किया गया है। रांची। रांची झारखंड की कैपिटल है। और यहाँ पर एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। ये 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र
ये 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यानी कि थावर चंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। तो किस शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? रांची में। रांची झारखंड की राजधानी है। ये 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? 18 जून को। तो 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। और क्यों? गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करना, यही इसका उद्देश्य है और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी, यूनाइटेड नेशन। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? 18 जून को। क्यों? गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करना और इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस।
मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? करूर वैश्य बैंक। तो मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर एक फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। ये ग्राहकों के लिए सरल और उपयोगी फाइनेंसिंग स्कीम है। करूर वैश्य बैंक, इसकी स्थापना 1916 में हुई, हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। और इसके अध्यक्ष हैं एन एस श्रीनाथ। और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। तो मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? करूर वैश्य बैंक के साथ। ये ग्राहकों के लिए सरल और उपयोगी फाइनेंसिंग स्कीम है। करूर वैश्य बैंक, इसकी स्थापना 1916 में हुई, हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है और अध्यक्ष हैं एन एस श्रीनाथ। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। विवेंडी ने माय अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिकी केज। रिकी केज ग्रैम पुरस्कार विजेता है और भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं। विवेंडी, विवेंडी एक फ्रांस की कंपनी है। मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर आधारित है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1853 में हुई और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो विवेंडी ने माय अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिकी केज के साथ। रिकी केज एक ग्रैम पुरस्कार विजेता है और भारतीय अमेरिकी संगीतकार है। विवेंडी ये फ्रांस की कंपनी है जो कि डिजिटल मनोरंजन पर आधारित है, जिसकी स्थापना 14 दिसंबर 1853 में हुई, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है।
WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया है? दो। WEF ने 2020 में 100 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की लिस्ट जारी की है। जिसमें भारत की दो कंपनियों को शामिल किया गया है, स्टेलैप्स और चेस्ट मनी। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर है कोलोगल जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया है? दो। WEF ने 2020 में 100 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें दो कंपनियां स्टेलैप्स और जस्ट मनी को शामिल किया गया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर कोलोगल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? फेसबुक। फेसबुक ने प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है और क्यों? ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। और अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग। तो किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? फेसबुक ने। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।